बस बस करो रोना। कभी कभी बच्चों को लगता है कि माए उनकी दुश्मन है, लेकिन बच्चों के लिए माँ से बेहतर कोई नहीं सोच सकता। उसे वैसे भी तैयार होने के लिए थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है ना, उसको पता ही नहीं है चीजें कहाँ पड़ी हैं, परेशान ना हो जाए। हाला वो इतने साल मुझ से बाहर अकेला रहा है, सब मैनेज कर लेगा वो खुद। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं उसकी जिंदगी में हूँ या ना हूँ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे मेरी कमी महसूस नहीं होगी? यू लिसन टू मी खुरम, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हें सिर्फ मुझसे माफी दरकार है? हुँ? और किससे समीर? मैंने तुम्हें हर्ट किया है। हाल उन्हीं का पूछा जाता है जिनकी चाल अच्छी हो। चाल समझते हो? चाल चलन। अम्मी प्लीज। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। दुनिया की हर जबान में ऐसी औरतों के लिए हजारों। अम्मी प्लीज। मौत पर चिल्लाओगे हमजा? हाला के बारे में अपने अल्फाज वापस लीजिए। ऐसा कभी नहीं होगा हमजा, वो है ही ऐसी औरत, शौहर के साथ साथ उसने एक आशिक भी रखा हुआ है। प्लीज सर, वो ऐसी नहीं है, वो ऐसी कुछ भी नहीं है जैसी आप हाला के बारे में कहते हैं। अपने हस्बैंड पे चीट करने वाली औरतें ऐसी नहीं होती, हाला जैसी नहीं होती। रोती से सकती खौफजदा वो सब कुछ जो हाला है। बदकिरदार औरतों की आंखों में हया नहीं होती अम्मी, जो मेरी बीवी की आंखों में है। उसकी आंखों में एक सहम है अम्मी, ऐसी औरतें सफाइयां नहीं देती, बेखौफ होती हैं, बेडर होती हैं। मैं अगर अपनी हाला को सफाई पेश करने को कहूं ना अम्मी, तो वो चलते कोलों पर चलकर दिखा दे मुझे। ये कैसी गीदड़ सिंगी सुंघाई है उसने तुम्हें? या अल्लाह, मेरा बेटा तो उसके दामन से वजू करने के लिए तैयार है। इधर इधर दिखाओ, कौन से ताबीज पहनाए हैं उसने, क्या पढ़ के फूंका है तुम पे? इधर देखो, क्या पैदा किया आपने? कोई पागल हूं मैं, दीवाना हूं मैं? मर्द हूं ना, तो ऐसी मर्दानगी पर लानत है जो अपने साथ रहती औरत का किरदार ना भांप सके। आपने ऐसी औरतें भी देखी नहीं है अम्मी, पास से गुजर जाए ना तो इंसान उनका किरदार भांप सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बा किरदार औरत को देखकर आंखें झुक जाती है। मैं उसके साथ एक साल रहा हूं अम्मी, ऐसी नहीं है वो। आपके मुंह से मैं अब हाला के लिए ये अल्फाज ना सुनू अम्मी, सारी जिंदगी। एंड आई मीन इट। मुझे लगा मेरे से ज्यादा दुखी इंसान इस दुनिया में हो ही नहीं सकता, लेकिन एक दिन मेरे जहन में आई हाला, और मेरा सारा गुस्सा, मेरा सारा तो धुएं की तरह हो गया। तुम्हारी सच्ची या झूठी वजूहत ने एक पूरा खानदान बर्बाद करके रख दिया खुर्रम। हाला का खानदान, उसका शौहर, उसका बच्चा, तुम मुझे अपनी यतीमी की मजबूरियों के किस्से सुनाते थे, तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुमने एक बच्चे की पूरी जिंदगी मजबूर कर दी जो अभी इस दुनिया में आया तक नहीं। मेरा मुस्तकबिल रोशन, मैं तुम्हारे इस धोखे से ना उभर आई, लेकिन वो हाला गोते खा रही। अगर तुमने किसी से माफी मांगी है ना खुर्रम,
तो जाके उस हाला से मांगो। नाश्ता तो कर लेती हाला, मेडिसिन भी लेनी है तुम्हें। मैं हमजा को फोन नहीं करना चाहिए। तुम भी तो कॉल करना चाह रही थी ना हमजा को। मैंने कर ली कॉल उसे, रास्ते में है वो, बस आने वाला होगा। रास्ते में नहीं है वो, घर पर था। घर पर? तुम्हें कैसे पता? और सिर्फ घर पे नहीं बल्कि ताई जान के साथ होगा। वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा, मैं उसे कॉल पे देख थोड़ी रही थी, कुछ भी कह सकता था वो। तुम उसे नहीं जानती, वो लोगों का दिल रखना जानता है। अगर वो तुम्हें बता देता तो तुम हर्ट हो जाती। कितना जानती हो मुझे हाला? खाली हाथ? अब तो लंच पैक करवा रहे थे। तुम्हारी बहन ने तुम्हें बता तो दिया कि मैं कहाँ था। तो सच बोल देते। सच बोल देता तो तुम हर्ट हो जाती और तुम्हारी बहन परेशान। हर्ट तो अभी भी हुए हैं। अब सफाई देने के लिए मैं मौजूद हूँ, और अगर भूख लगी थी तो खाना ऑर्डर क्यों नहीं किया? अपनी वाइफ से पूछें, उसने कुछ नहीं खाया। खाने से कैसी नाराजगी हाला? मेरी किस चीज से कोई नाराज क्यों नहीं? कुछ तो खाना पड़ेगा, दवाई खानी है, दूध ही पी लो। नहीं 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 हाला, दिल नहीं है। तुम रो रही हो हाला?
नहीं, वो मेरी आंख में कुछ चला गया शायद। दिखाओ मुझे हाथ पे। नहीं नहीं कुछ नहीं है, मैं देख। खाओ हाला, ऊपर देखो, कुछ भी नहीं। दूसरे की आंख का तिनका कभी नजर नहीं आता, लेकिन अपनी आंख का तिनका शतीर लगता। जरा भी शक नहीं हुआ तुम्हारी अम्मी को? जरा सा भी नहीं। मैंने उन्हें कहा था कि मेरी फ्रेंड की बर्थडे है। बस आइंदा भी अलर्ट रहना। आइंदा कब तक? क्यों, बहुत जल्दी है, ले आऊं बारात पे? वो तो तुम्हें लानी होगी। बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम, दिल नहीं भर रहा पिक्स देख देख के। मुझे तो सारी डिलीट करनी पड़ी, इतना दिल दुख रहा था। ये लम्हा तो सारी जिंदगी याद रहने चाहिए ना। ओहो, वो तो सारी मेरे पास सेव्ड है, तुम्हें प्रिंट करा के पूरा एल्बम बना के गिफ्ट करूंगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम्हारी यही मासूमियत तो तुम्हें दूसरी लड़कियों से अलग करती है। लेकिन मैं कहां से, अगर तुम्हारे घर वालों में से किसी ने उन पिक्स को देख लिया? मेरा मतलब है कि तुम समझ रहे हो ना। ओहो, तो फिर बैंड बाजे बारात लेके तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे अपनी बहू को लेने के लिए। तुम मेरे घर वालों को जानती नहीं हो। फिर भी एहतियात करना, क्योंकि अभी नहीं। क्या हुआ हमसा, तुम ठीक हो? एक बात पूछो वाला। अगर तुम्हें मुझे वर्ड्स में डिस्क्राइब करना हो कि मैं कैसा आदमी हूं, तो कैसे करोगी? ये कैसा सवाल है? बस है। एंड बी ऑनेस्ट प्लीज। मेहरबान, ऑनेस्ट, लविंग, केयरिंग, जान लुटा देने वाला। अच्छा, तो ऐसे आदमी को तो अपने से कुछ पल के लिए भी अलग नहीं करना चाहिए। और तुमने इतना फासला बढ़ा दिया। तुम बताओ, अगर मुझे डिस्क्राइब करना हो तो कौन से लफ्ज इस्तेमाल करोगे? तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कहूँ? मैं वाकई नहीं जानती, या फिर जानती हूँ। छुट्टी, दगाबाज, हद किरदार। नहीं, ये लफ्ज दोबारा इस्तेमाल नहीं कर। मतलब कि बाकी सब कह सकती हूँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं हाला। तुम्हें डिस्क्राइब करने के लिए मुझे लफ्जों की मदद नहीं चाहिए। मेरा यहाँ होना इस बात का सबूत है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। बातों से दिल भरता है मगर पेट रोटी मांगता है। इसे कुछ खिला दो हमजा, मेडिसिन भी लेनी है इसने। सॉरी 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 हाला, ये लो, ये खाओ, मेडिसिन लेनी। नहीं प्लीज, ये नहीं खाना मुझे। नहीं खाते? जो दिल कर रहा है वो बताओ, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। बताओ। नहीं ऑर्डर कुछ नहीं। वो तुम डैड के साथ उस दिन जो लेकर आई थी, वो तो ऑर्डर नहीं होगा, हमें खुद जाना होगा। जाकर ले आएंगे। ऐसा करो तो मेरे साथ चलो, आ जाओ। विल बी बैक। हां
कैसे हो शुक्रिया मुझको जो चुन लिया हाले दिल न कह सके तुमने तो सुन लिया कह दे मोहब्बत को पूरा किया दर्द दिल का लेके अंदर क्या काम है जाओ यहां से हलप हलप प्लीज दरवाजा बंद मत करना मुझे तुमसे माफी दरकार है क्या कयामत का दिन आ गया वैसे तो मैं तुम्हें उस दिन भी माफ नहीं करूंगी तुम्हें पता है अगर मैंने तुम्हें माफ नहीं किया ना तो तुम्हें अल्लाह मियां भी माफ नहीं करेगा समीन भी यही कहती है कि जब तक तुम माफ नहीं करोगी वो भी नहीं करेगी हाला प्लीज बस एक बार मेरी बात सुन लो को छोड़ो आला मेरी मां मुझसे खुश नहीं है तुम्हें पता है पहले वो मुझसे बातें करती थी और अब मेरी परहेजगार मां सिया लिबास में मुझसे मुंह फेरे बैठी नजर आती है कहती है कि खुर्रम तुमने हाला के साथ अच्छा नहीं किया माँ कहती है समीन कहते और तुम क्या कहते हो तुमने जो मेरे साथ किया वो ठीक था नहीं इससे बहुत बड़ी गलती हुई है गलती नहीं गुना हाँ गुना ने गुनाहे अजीम गुनाहे कबीरा कि अगर उसको दरिया में भी डालो ना तो वो अपनी सारी मिठास को बैठे हाला सिर्फ मैं ही तो मुजरिम नहीं था ना तुम्हारी ताई भी तो बराबर की शरीक थी उसमें तो मैंने कब कहा कि मैंने उनके लिए माफी का ऐलान कर दिया में बहुत अजर होता है आला क्योंकि तुम्हें चाहिए इसलिए मैंने गलत किया था तुम मत करो यह गलती मैं समीन से वाकई बहुत मोहब्बत करता हूं और वो मुझसे समीन बेटा इतनी कॉफी पीना सही नहीं है वो सर में दर्द हो रही है तुम सोए भी नहीं क्या बात है कुछ हुआ है मैं एक बात पूछूं हाँ माफी के क्या हद होगी वो तो इंसान के ज़र्फ़ पर डिपेंड करता है और जुर्म कितना बड़ा है
सब कहते हैं कि माफ कर देने वाला अफजल होता है। हाँ कहते तो यही है, लेकिन अगर कभी कभी इंसान का दिल माफ करने को ना माने तो क्या करें? तुम कहीं खुर्रम को माफ करने का तो नहीं सोच रही? क्योंकि उसे माफ नहीं किया जा सकता। नहीं अम्मी, आप कैसी बातें कर रहे हैं। अगर ऐसा सोचा भी ना तो लाहौल पढ़ लेना बेटा, वो शैतान बन के इस घर में आया था, हर जगह शर बन के फैल गया। ये तुमने अभी तक फेंका नहीं? तो मुझे अम्मी प्लीज, अम्मी पूछ सकता हूँ क्या जरूरी काम था? हाँ हाँ हमजा पूछ सकते हो तुम। बच्चा हाथ में आते ही तुम्हें तो फारिग करेगा एक मिनट में। नहीं हमजा ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। मैं तुम्हें गुर की बात बताऊं, तुम बच्चे को लेकर अपने बाप के साथ चली जाओ वरना बच्चे से हाथ धो बैठोगे। अले वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम पता है वो मुझसे तुम्हारे लिए झगड़ी, तुम्हारे बच्चे के लिए रोई, और उसने जो मुझे आईना दिखाया आला, वो बदसूरत शख्स मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। समीर सही कह रहे हो, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन क्या तुम भी उससे मोहब्बत करते हो? हाँ। सही कहा तुमने, माफ कर देने से, माफ कर देने से सुकून मिलता है, एकदम हल्की सी हो गई। तो हालब तुमने तुम्हें वाकई मुझे माफ कर दिया? यही बात तुम समीम को खुद बता सकती हो? हाँ। ओके। हमजा आओ ना अंदर, आ जाओ आओ। सलाम अलैकुम। क्या हाल है हमजा? सब वो मुझे हाला से काम था, बहुत जरूरी। पूछ सकता हूँ क्या जरूरी काम था? हाँ हाँ हमजा पूछ सकते हो तुम। असल में खुर्रम आया था। एक्चुअली हाला लेट हो रहा हूँ मैं फैक्ट्री के लिए, कॉल्स आ रही है, दवाई खा लेना। आप बैठो यार, प्लीज कैरी ऑन। बहुत शुक्रिया आला, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब मुझे अब चलना चाहिए, खुदा हाफिज। ये यहाँ क्यों आया था हाला? किस एहसान की बात कर रहा था? कौन सा एहसान? माफी मांग रहा था। तुमने कर दिया? हाँ, और जिस लम्हे से किया है ना बहुत सुकून महसूस कर रही हूँ।
लोग सही कहते हैं, माफ कर देने से सुकून मिल जाता है। कमॉन हाला, तुम इस तरह सुकून में कैसे आ सकती हो? तुमने हमजा की आंखें नहीं देखी थी? उसने जब खुर्रम को तुम्हारे साथ यहाँ देखा है। तुम खामखा परेशान हो रही, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। हमजा को एतबार है मुझ पर और मैं उसको सब सच बता दूंगी कि वो क्यों आया था और समीन की बात करने आया था। हमजा, आ जाओ, आओ, आ जाओ, खाना खाओ। भाई आपने अपनी क्या हालत बनाई हुई है? खाना खाओ चुप करके। हमने सुना था कि हमजा रईस अहमद कोई कारोबार कर रहा है, उस पर बड़ी मेहनत कर रहा है, फिर बाद में एकदम खामोशी हो गई, कोई खबर ही नहीं। इन टच हूँ ऑफिस से, सारा दिन कॉल्स पर बात करता रहा उनसे। वैसे तुम्हारी माँ भी अपने मायके जाया करती थी, लेकिन मैं अपने ससुराल की दहलीज पर इस तरह जाकर कभी नहीं चिपका। पूछ लो इससे, बताओ शाहजहां क्या बोले? आपके बेटे में आपका कोई गुण नहीं आया रही समय, तो इसकी बीवी कर रही है ना, आपकी बीवी ने इससे आधा भी किया होता तो हड्डियां तक गल चुकी होती कब्र में आपके हाथ। बच्ची पास बैठी हो तो सोच समझ के बोला करो। और तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने मुरझाए हुए क्यों? क्या हुआ है, लग रहा है तुम्हारी किसी ने जेब काट ली? सब खैरियत है ना? जी। रुको, खाना नहीं खाना? भूख नहीं है जी। आला की तबीयत कैसी है? बेहतर है, she's getting better। कब आ रही है वापस? अभी तो वहीं रहेगी कुछ दिन और। हमने तो यही सुना है कि शादीशुदा लड़कियां अपने ससुराल से ज्यादा देर दूर नहीं रहती हैं। नफीस तो बिल्कुल ही खपती हो गया है। जा रहे हैं वो, जैसे जाएंगे यही आएगी। चले मैं। आज तुम छुट्टी नहीं कर लेती? कतन नहीं, आज तो मेरा कॉलेज जाना बहुत जरूरी है। हमजा, बहन को कॉलेज छोड़ दो बेटा। जी। तो वापस कौन लाएगा? मैं नहीं लेने जा सकती ना, मुझे कुछ काम है। तो तुम्हें कौन तकलीफ करने को कह रहा है? अभी रूमी का बाप और भाई जिंदा है। मैं पिक भी कर लूंगा, चल रूम। तुम जब तक ये गेट के अंदर ना चली जाए ना, बाहर ही खड़े रहना। ये कैसी बात है? वो खबर पड़ी थी ना मैंने, एक कॉलेज के गेट से लड़की किडनैप हुई थी, तो वैसे ही दिल जरा घबरा रहा है। और बात सुनो, जब तक ये भाई ना आ जाए तुम गेट से बाहर ना निकलना। ओके, खुदा हाफिज। और प्रिंसिपल को कॉल कर रही हूँ मैं तुम्हारे एडमिट कार्ड के लिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कहना कुछ और चाहती हो और कहती कुछ और हो? रूमी के साथ तुम्हारा लहजा बहुत चुपता हुआ नहीं है? राबिया के घर कब जाना है? वो इनवाइट तो कर चुकी है ना,
रबिया कौन है? ओह अच्छा 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 रबिया, ठीक है हाँ चले जाएंगे, इतनी जल्दी क्या है? अच्छे लड़के फिर ज्यादा देर तक नहीं रहते, अब जबकि वो दिलचस्पी जाहिर कर रही है तो फिर हम देर क्यों करें? ठीक है चलते हैं। तो मैं फोन कर दूं राबिया को? हाँ कर दो। क्या हुआ डैड, इज एवरीथिंग ओके? मूसा अब्राहम से तो अभी मेरी बात हुई है, इज मॉम फाइन? मॉम ने कुछ कहा है ना आपसे? आई एम श्योर उन्होंने ही कुछ कहा है ना? तो फिर इतना परेशान क्यों है आप? वो ऑफिस से ईमेल आई है, मरियम लीव एक्सटेंशन नहीं दे रहे। We have to go back. फिर क्या, बस जल्द से जल्द लौटना पड़ेगा। और हाला? वही तो परेशानी है, उसे यही छोड़ना होगा। छोड़ेंगे क्या मतलब? We have to take her along. साथ लेके जाएंगे हम। इतना आसान नहीं है मरियम, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? No, Dad. We cannot leave her here like this. You have to find a way. कुछ सोचिए। नहीं, झूठ बोल रही हैं आप। हमजा ऐसा कह ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। हाँ अभी तो उसने सिर्फ सोचा है, अमल दरामद तो बच्चे के आने के बाद होगा ना। देखो मैंने जो कहना था मैं कह चुकी, अब तुम मानो या ना मानो ये तो तुम्हारी मर्जी है ना। बच्चे की वजह से मजबूर है, तुम्हारे आगे पीछे फिर रहा है। बच्चा हाथ में आता ही तुम्हें तो फारिग करेगा एक मिनट में। नहीं हमजा ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। मैं तुम्हें गुर की बात बताऊं, तुम बच्चे को लेकर अपने बाप के साथ चली जाओ वरना बच्चे से हाथ धो बैठोगे। नहीं नहीं मरियम। अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो अपनी बहू से मिलने आई थी, बहुत याद आ रही थी मुझे, क्या नहीं आना चाहिए था? डैड हाला को देखें, क्या हो रही है यहाँ पे? क्या बोले आपने हाला को? पूछे इनसे, इन्होंने कुछ कहा हाला को? पूछे इनसे। बताइए क्या कहा है आपने हाला से? इनको निकाले यहाँ से, बाहर बाहर निकाले घर से, इनको डैड इनको बाहर निकाले। कसम से मैंने तो कुछ भी नहीं कहा नफीस, बस वो बताया है जो अब आगे होने वाला है, आगे तो इसकी मर्जी है ना। क्या हो सकता है? खैर इसकी कोई हालत ठीक नहीं है, तुम लोग संभालो इसे। जा रही हूँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ, आराम से आराम से। ऐसे कैसे जाएं? उसे तो देखो। हाला मेरी जान, हुआ क्या है? पानी दो उसे। हुआ क्या है? रेड वो मेरे साथ खेल रहा है, मेरे साथ खेल रहा है। कौन हाला कौन? रेड वो बेबी के आने का इंतजार कर रहा है और फिर वो मुझसे बेबी ले लेगा और मुझे छोड़ देगा। बच्चा छीन लेगा? ऐसे कैसे छीन लेगा? आप किसे कॉल कर रहे हैं? हमजा को। वो आएगा और अपने माँ के कहे हर लफ्ज की वजाहत देगा। नहीं नहीं डैड, नहीं नहीं डैड, नहीं मुझे तुम छुपा दो वो बेबी। हाला मेरी जान मेरी तरफ देखो, मैं भी जिंदा हूँ, मैं भी देखता हूँ मेरे होते हुए उसकी जुर्रत। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है ना? मैं बोल रहा हूँ, कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ।
मैं कुछ नहीं जानता, यहां फौरन पहुंचो। बात समझ में आई? फौरन पहुंचो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बच्चा ले लेगा? कोई खिलौना है क्या? बच्चा ले लेगा, लो पानी पियो। नहीं वो ले लेगा। आधे घंटे के लिए आएंगे वकास, और वो भी मत पूछो कैसे। प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने बैठ के नोट्स बना रही थी, ताकि अगर अम्मी उन्हें कॉल करें तो वो कहें कि रोमी यहीं बैठी हुई थी। इंटेलिजेंट। लेकिन अब मुझे वापस ड्रॉप कर दो, वरना अम्मी एडी के दर्द के साथ भी चल के आ जाएंगी। जिन मशकूक नजरों से आज देख रही थी ना वो मुझे। वैसे कुछ गलत भी नहीं देख रही। चलो अगर भाई लेने आ गया ना, वो तो पक्का वैसे ही बहुत पाबंद है। वैसे सुबह हमजा के साथ तो मैं देख के मैंने पता नहीं क्या क्या नहीं सोचा। भाई है वो मेरा। तो गौर से देख के पता चल जाता है। बहुत ऐसे मत मार। ये सब ठीक है, लेकिन देर हो रही है ना, चले। बिल्कुल नहीं, बीवी हो तो मेरी, कोई ड्रॉप नहीं करूंगा तुम्हें। चलो ना, बहुत डर लग रहा है। सोचा जा सकता है। हला, फॉर गॉड से यार, ये रोना तो बंद करो। हला से क्या पूछ रहे हो? मुझसे बात करो। आपसे क्या बात करूं मैं? तुम्हारी प्लानिंग का पता चल गया हमजा। कौन सी प्लानिंग? शाहजहां भाभी और तुम्हारी प्लानिंग। यहां आकर सब कुछ बता चुकी है वो। अम्मी यहां? अम्मी आई थी आला, क्या कह के गई है? हाल पूछने और चाल बताने। कैसी चाल? कोई मुझे बताएगा यहां क्या हो रहा है? गॉड से एक तो मेरा दिमाग शल हो गया। अम्मी फौत हुई, इत्तेफाकन में यहां पहुंचा, और क्या पता चलता कि शाहजहां भाभी ने ऑलरेडी प्लान बना लिया था कि मेरी बिचारी बेटी को घर से निकालेगी। अगर मैं यहां नहीं आता तो इसका क्या होता? एक बार पहले भी निकाल चुकी है डैड। क्या? रात के अंधेरे में कुछ रुपए देके शालीमार सुबह 6 बजे निकलती, सामने लेट जा, मशवरा भी दिया। तुम्हें तो याद होगा ना हमजा? याद है, लेकिन क्या तुम भूल गई हो हाला कि तुम्हें घर वापस कौन लाया था? और इन सवालों का मकसद क्या है, आप मुझे बता सकते हैं? क्यों पूछ रहे हैं मुझसे ये सवाल? अभी जानना चाहते हो कि इस सवाल का मकसद क्या है? साफ साफ पूछ रहा हूं कि अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो मेरी बेटी का क्या होता? फुटपाथ पर जाती, रोड पर जाती। आप लोग बैठ के बात कर लें। मैं नहीं बैठ सकता। एक तो वैसे ही परेशान हूं। हमें जल्द से जल्द वापस पहुंचना है। कमबख्त लीव कैंसिल हो गई, और ऊपर से इसको कहां छोड़ूंगा? इसको क्या करूंगा? इसका कहां छोड़ूंगा मतलब? घर जाएगी वो अपने। हाला मेरे साथ घर जाएगी, और कहां जाएगी? वो घर जहां मां जैसी सफाक औरत अपनी चालबाजियों और जलालतों के साथ पहले से मौजूद है। चाचू, मेरी मां के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। माफ करना, लेकिन माओं के फरमा बरदार बेटे ना अपनी ही औलाद की माओं के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती करते हैं। इसके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, मैं आपसे वादा करता हूं। मैं हाला को अभी और इसी वक्त घर ले जाने को तैयार हूं। चलो हाला। चलो हाला। से जुड़ी है जामे मोहब्बत, जहर आशिकी है।